हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास 10वीं की इंग्लिश की वर्कशीट 86/86 करेंगे, जिसकी डेट है 20 फरवरी। इसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के से रिलेटेड हमारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई भी वर्कशीट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इट मस्ट हैव बीन कोल्ड लास्ट नाइट। कल जो है बहुत ठंड होगी, कोल्ड होगी शायद, बिकॉज द पोंड डैश ओवर। पोंड क्या हो गया, देखो लास्ट नाइट पास्ट की बात हो रही है, तो फ्रीज तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो फ्रीज तो प्रेजेंट की बात हो जाती है, तो फ्रीज तो यहाँ पे आना नहीं है। तो हमारा लास्ट नाइट यहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल आएगा और वो होता है फ्रोज, फ्रीज का होता है फ्रोज। तो बी आंसर यहाँ पे हमारा आएगा, बिकॉज द पोंड फ्रोज ओवर। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, माई मोम डैश द बेस्ट केक। मेरी मोम सबसे बेस्ट केक बेक करती है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। अब प्रेजेंट में बेक्ड तो हमारा पास्ट में आता है, तो ये तो होगा नहीं, या तो बेक आएगा या बेक्स आएगा। माई मोम हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमारी वर्ब के साथ जो है एस लग जाता है, तो बेक्स आएगा सी। थर्ड क्वेश्चन, डैश मिल्क एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। तो ये हैबिट की बात हो रही है, हैबिट में हमारा प्रेजेंट सिंपल आता है, ठीक है, तो ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर गुड हेल्थ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शीला डैश पिज्जा यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट टेंस आएगा, पास्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म हमारी होती है एट, तो शीला एट अ पिज्जा यस्टरडे, बी हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, द सन डैश अ स्मॉल स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। फैक्ट है और प्रेजेंट भी है, तो हमारा जो प्रेजेंट का कुछ हेल्पिंग वर्ग या वर्ब आएगी वो आएगी ए, इच। फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू वेल लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट है पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो आप कहोगे ठीक है पास्ट की बात आ गई, सेकंड फॉर्म लगा दो, लेकिन गलत, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया और क्वेश्चन मार्क में डिड आ गया, तो डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड यू स्लीप, तो आंसर आएगा बी, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट। सेवन्थ क्वेश्चन, सी ओफन शॉपिंग ऑन संडे। देखो ओफन यानी हैबिट की बात हो रही है, हैबिट हमारी प्रेजेंट सिंपल में आती है, और सी की बात हो रही है, सी हमारा सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाता है एस, तो सी एस या ई एस, सी गोज, ए हमारा आंसर आएगा, गोइंग नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, गोज आएगा वर्ब के साथ ई एस, तो सी ओफन गोज स्विमिंग ऑन संडेज, तो सेवन्थ का ए आंसर। तो ये थी हमारी क्लास टेंथ की वर्कशीट 20 फरवरी की, वर्कशीट नंबर 86। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।